तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बाबलू और आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपके एडसेंस अकाउंट पर जब $10 कंप्लीट हो जाता है तो आप कैसे अपने एडसेंस अकाउंट पर अपने जो बैंक अकाउंट का जो डिटेल्स है आप कैसे वहाँ पर ऐड कर सकते हो। हाँ दोस्तों, मैं एक एक स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि आपकी एडसेंस अकाउंट पर अपने बैंक डिटेल्स को आप कैसे ऐड कर सकते हो। तो आप जानना चाहते हो, आप एक यूट्यूबर हो, आपकी एडसेंस अकाउंट पर $10 कंप्लीट हो गया है, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि एडसेंस अकाउंट पर अपने बैंक डिटेल्स को कैसे डालते हैं। तो चलिए आपको बता देती हूँ कि एडसेंस अकाउंट पर बैंक डिटेल्स को हम कैसे ऐड करें। दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने एडसेंस अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा। दोस्तों, आप देख सकते हो, ये मेरा एडसेंस अकाउंट यहाँ पर ओपन हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर थोड़ा नीचे जाना है और पेमेंट पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जब दोस्तों आप पेमेंट पर क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो इनेबल होता है, जो अपने पेमेंट जो यहाँ पर ऐड करते हैं उसका जो इनेबल होने का जो टाइम है वो $10 से ज़्यादा जब आपकी एडसेंस अकाउंट पर अपडेट होगा तब भी जाकर आप यहाँ पर अपने जो बैंक अकाउंट का जो डिटेल्स है आप यहाँ पर भर सकते हो। दोस्तों, आप देख सकते हो कि मेरे $20 से ज़्यादा हो गया है, तो ये मेरा इनेबल हो गया है। तो आप यहाँ पर पेमेंट का जो डिटेल्स है, जो बैंक का डिटेल्स, आप यहाँ पर भर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना था ऐड पेमेंट मेथड पर। ठीक है, तो दोस्तों आप जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके पास दोस्तों ऐसा पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जब ओपन हो जाता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर जो पहले वाला जो ऑप्शन है आप इसको छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। तो जो नीचे वाला जो ऑप्शन है बैंक ऑन नेम ऑन बैंक अकाउंट, तो आपको अपने नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा। जो आपके जो भी बैंक है वहाँ पर जो आपके जो भी नाम है सिंपली यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बैंक नेम तो SBI बैंक है, वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो नीचे और यहाँ पर IFSC कोड। दोस्तों, आपके जो बैंक अकाउंट पर जो खाता होगा, खाता पर IFSC कोड आपको वहाँ पर मिल जाएगा, वो यहाँ पर डालना है। और जो स्विफ्ट कोड है दोस्तों, ये सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्विफ्ट कोड। दोस्तों, इस स्विफ्ट कोड एक काम करता है कि जो अमेरिका से जो पैसा आता है वो अपने इंडियन करेंसी पर कन्वर्ट करता है। जो अमेरिका पर डॉलर चलता है वो पैसे को यहाँ पर कन्वर्ट करता है, जो इंडियन करेंसी पर जो कितने रुपया हो गया, कितने रुपीस हो गया, वो कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के लिए स्विफ्ट कोड यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। दोस्तों, ये स्विफ्ट कोड आप कैसे पा सकते हो, उसका लिंक मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। नहीं तो मैं आगे भी बताऊँगा स्विफ्ट कोड आप कैसे निकाल सकते हो अपने बैंक डिटेल्स का। यहाँ पर देखो अकाउंट नंबर है, तो आपको अपने बैंक अकाउंट का जो नंबर है आपको यहाँ पर डालना है, और नीचे भी है रिट्रा अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर आपको जो अकाउंट नंबर डालना है सिंपली यहाँ पर भी अकाउंट नंबर को डालना है। ठीक है, तो चलिए आपको बता देते हैं स्विफ्ट कोड आपको कैसे मिलेगा। तो आपको एक जो वेबसाइट है, आपको एक वेबसाइट को आपको ओपन करना पड़ेगा, जो IFSC SwiftCode.com। दोस्तों, इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पर भी देख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर आ जाने के बाद आप चाहते हो कि IFSC कोड देखना चाहते हो या स्विफ्ट कोड देखना चाहते हो या MICR कोड, आप यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, आप जो भी देखना चाहते हो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो IFSC कोड तो हमारे खाते पर तो अवेलेबल है, तो हम स्विफ्ट कोड देखना चाहते हैं, तो आपको सिंपली स्विफ्ट कोड पर एक बार क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों, जब आप स्विफ्ट कोड पर जब क्लिक कर दोगे तो आपके पास ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा तो आप कहाँ से हो। तो मैं इंडिया से हूँ, तो मैं यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट करता हूँ। तो फिर से मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पर एक तो सिलेक्ट हो गया है, तो यहाँ पर सिलेक्ट बैंक नेम, तो आपका जो भी बैंक है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा तो पंजाब बैंक है, तो पंजाब नेशनल बैंक PNB, और यहाँ पर सिलेक्ट करना है स्टेट। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है अपनी स्टेट, तो मैं हूँ ओडिशा से, तो यहाँ पर जो ओडिशा है, ओडिशा मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ ओडिशा को। और सिटी नेम, आपकी जो सिटी है तो यहाँ पर अवेलेबल है भुवनेश्वर, तो मैं भुवनेश्वर पर क्लिक करता हूँ। और जो सिलेक्ट ब्रांच नेम, तो आपका जो ब्रांच है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो भी भुवनेश्वर है, तो मैं भुवनेश्वर को सिलेक्ट करता हूँ। तो सब कुछ यहाँ पर हो जाने के बाद आपको नीचे जाना है, नीचे आपको मिल जाएगा स्विफ्ट कोड। आप देख सकते हो यहाँ पर स्विफ्ट कोड आपको मिल गया है, अपने बैंक का नेम पंजाब नेशनल बैंक PNB ब्रांच भुवनेश्वर, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों, इसको आपको कॉपी करना है, कॉपी करके वहाँ पर स्विफ्ट कोड पर आपको पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है।
तो दोस्तों मैं तो ये चीज़ें तो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर ब्लॉर कर देता हूँ, सॉरी। दोस्तों यहाँ पर बैंक डिटेल सब कुछ दे देने के बाद आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको टिक मार देना है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी टिक मार हो जाता है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर सब कुछ हो जाने के बाद आपको सिंपली सेव पर क्लिक करना पड़ेगा। जब दोस्तों सेव पर क्लिक कर दोगे तो आपको आपका जो एडसेंस का जो पेमेंट मेथड है वो सिंपली कम्प्लीट हो गया है। तो आपको यहाँ पर बार बार कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ये है मेरा यहाँ पर ऐड हो गया है। तो आपको ऐसा करना है और अपने जो एडसेंस का जो बैंक डिटेल्स है वो आपको डालना पड़ेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा।